बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जिसे सभी जानवर बहुत मानते थे। शेर न केवल अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने नेक दिल और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता था। नवरात्रि का समय आया तो शेर ने सोचा कि इस बार वह जंगल में माँ दुर्गा की पूजा करेगा और भव्य पंडाल लगाएगा। शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, इस साल हम जंगल में मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। मैंने माँ की प्रतिमा मंगवाई है और सभी जानवरों को मिलकर इस आयोजन में हिस्सा लेना है। सभी जानवर खुशी खुशी तैयारियों में जुट गए। हाथी, गैंडा, बंदर, हिरण और हर प्रकार के जानवर शेर की मदद कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर पंडाल सजाया गया और उसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। चारों ओर दीप जलाए गए और वातावरण भक्तिमय हो गया। पूजा की खबर सुनकर सभी जानवर आ गए, लेकिन खरगोश ने पूजा में शामिल होने से मना कर दिया। उसने सोचा, शेर तो जंगल का राजा है, वो पूजा करे तो ठीक है, पर मुझे क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने जब खरगोश के न आने की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नवरात्रि के आखिरी दिन शेर ने भंडारे का आयोजन किया। सभी जानवर भंडारे में शामिल हुए और माँ दुर्गा की प्रसाद ग्रहण किया। खरगोश दूर से ये सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह माँ दुर्गा की पूजा में शामिल न होकर गलती कर रहा है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। अगले ही दिन खरगोश माँ दुर्गा के पंडाल के पास आया और शेर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अहंकार में आकर पूजा में भाग नहीं लिया, अब मैं भी माँ की पूजा करना चाहता हूँ। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ दुर्गा सभी की माँ है, वो सभी को माफ कर देती हैं। आओ तुम भी माँ की पूजा करो। खरगोश ने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के सामने सिर झुकाया और माँ से माफी मांगी। तभी शेर ने उसे भंडारे का प्रसाद भी दिया। उस दिन से खरगोश ने ठान लिया कि वह हर साल नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा जरूर करेगा और अपने मित्र जानवरों के साथ मिलकर उत्सव मनाएगा। इस प्रकार पूरे जंगल ने मिलकर माँ दुर्गा की पूजा की और सबने एकता और भक्ति का महत्व समझा। शिक्षा, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और सभी धार्मिक और सामुदायिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। सुनो भक्तों, इस नवरात्रि आप सभी सदाचारी बने, जीवों पर दया करें, उन्हें भोजन कराएं, इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होंगी। महिलाओं और बेटियों का सम्मान करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली संदेश कहानी आप तक पहुंचे और वीडियो को शेयर करें, जिससे और सभी तक यह संदेश पहुंच सके।